हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 6.3 कंप्लीट कर ली थी, राइट। टुडे वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसका जो आपका टॉपिक है वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? आपने इससे पहले वाले टॉपिक में किए थे मल्टीपल्स, अब आप करेंगे फैक्टर्स। देखिए, अब आप एग्जांपल देखिए, आपके पेज नंबर 39 में 24। तो देखिए बच्चे, 6 × 4 इज इक्वल टू 24। आप 6 × 4 इज इक्वल टू 24। इट मीन्स 6 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 24 आता है। तो डिवाइज़र ऑफ 24 6 भी है और डिवाइज़र ऑफ 24 4 भी है। और इसी तरीके से 24 6 का मल्टीपल भी है और 4 का मल्टीपल भी है। इट मीन्स 24 जो है वो 6 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। तो इन 6 × 4 इज इक्वल टू 24 वी फाइंड दैट 24 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 एज वेल एज 4। यही मैं आपको बता रही थी अभी। सिंस 6 और 4 डिवाइड 24 एग्जैक्टली, तो 6 और 4 से 24 एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो 6 और 4 क्या हो गए? 24 के डिवाइज़र हो गए, मतलब उससे वो डिवाइड हो जाता है। ऑल्सो 6 और 4 आर कॉल्ड दी फैक्टर्स ऑफ 24। 6 और 4 24 के फैक्टर्स भी कहलाएंगे। 8 / 1 8, 8 / 2 4, 8 / 4 2, 8 / 8 1। तो 1, 2, 4, 8 डिवाइड 8 एग्जैक्टली। सो ऑल दीज नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 8। अब देखिए, मैं आपको कुछ फैक्टर्स निकालने के एक मेथड कैसे समझा रही हूँ। देखिए बच्चे, सपोज हमने दो नंबर लिए 24 और 12, सही है। अब आपको अगर लिखना है कि 24 के आपको सारे फैक्टर्स निकालने, तो आप क्या लिखेंगे बेटा? आप वो मेथड लिख लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 24। जैसे 24 हमें कैसे कैसे मिलता है? 1 × 24। आप देखिए, जो 1 होता है वो सब नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर एक नंबर में आता है। 1 से हर एक नंबर मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड भी होता है। 1 × 24 24 होता है। 3 × 8 24, 6 × 4 24, 2 × 12 24। तो ये जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? 24 के फैक्टर्स। तो आप इनको, जो नंबर्स दिए गए हैं इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो कौन कौन से इसके फैक्टर हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 12 और 24। ये हो गए 24 के फैक्टर्स। आई बच्चे बात समझ? अब 12 के देखिए, 12 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 1 × 12, 6 × 12, 3 × 4। यानी कि जो इसके फैक्टर्स हो गए 12 के, वो हो गए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। आप इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो बड़ा छोटा नंबर वो लिखा हुआ अजीब लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है ये इसके डिवाइज़र भी हो गए और इसके फैक्टर्स भी हो गए, ठीक है बच्चे। तो आपकी जो एक्सरसाइज 6.4 है, इसका ए पार्ट, आपको इसमें सबके फैक्टर्स बताने। देखिए, फर्स्ट वी विल टेक फर्स्ट क्वेश्चन 20। अब आप देखिए बेटा, ऐसे कर सकते हैं आप 20 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? 1 × 20 20 होता है। 4 × 5 भी आपका 20 होता है। 2 × 10 भी आपका 20 होता है ना बच्चे। तो ये आपके इस तरीके से लिख सकते हैं। और कैसे कैसे होता है बताइए? 2 की टेबल में, तो अब आपके फैक्टर्स ऑफ, यहाँ लिखेंगे आप फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू कौन कौन से हो गए? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। 20 आप लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट, इसमें है 10। 10 को सबसे पहले क्या लिखते हैं? 1 × 10 भी आपका 10 होता है ना बच्चे। 2 × 5 भी आपका 10 होता है। और कैसे कैसे लिखते हैं? बस और किसी तरीके से नहीं लिख सकते। तो आप यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, 2, 5 और 10। तो ये जो हैं इसके डिवाइज़र भी होंगे और उसके फैक्टर्स भी होंगे, ठीक है। अब देखिए 13 आप जैसे कि देख रहे हैं, इट इज़ योर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने बताया था आपको, वो नंबर होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते। तो फैक्टर्स ऑफ 13 क्या होगा? सिर्फ हो गया 1 और 13, क्योंकि 13 किसी की टेबल में नहीं आता। 21 देखिए, सबसे पहले लिखेंगे 1 × 21 21, 7 × 3 21। और बताइए किसकी टेबल में आता है? 7 × 3 = 21, 1 × 21 नहीं, 21 और किसी की टेबल में नहीं आता। तो फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू 1, 3, 7 और 21। ये इसके फैक्टर, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा जो आपके आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका 9 बहुत इजी है, 1 × 9 9 लिखते हैं, 3 × 3 9 लिखते हैं, तो और क्या होता है, अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू 1 3 और 9। ठीक है बच्चे, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, 5 पार्ट थे। अब देखिए, अब आपका है बी पार्ट, टिक ऑल द फैक्टर्स ऑफ 42, जो आपके 42 के फैक्टर्स हैं उनमें आपको टिक लगाना। देखिए बेटा कौन कौन से होंगे, जैसे आपके 42 में आपका क्या होगा, 1 भी होगा, 1 तो सबका फैक्टर है। देखिए बेटा यहाँ रिमेंबर में जो है इसको पढ़ लीजिएगा, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, मीन्स हर एक नंबर उस नंबर खुद का फैक्टर हमेशा होता है, 1 एक ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर होता है, राइट। 1 उसके बाद 142 का फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, क्योंकि 4 से 42 डिवाइड, बेटा फैक्टर्स वो होंगे जिस नंबर से वो पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, मींस उसमें आपका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, 4 42 का फैक्टर नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है, 6 7 जा, 7 भी है, 7 6 जा, उसके बाद है आपका 14, फिर 21। ठीक है, बस यही नंबर हैं जो आपके 42 के फैक्टर्स हैं। अगेन कर लीजिए, 21, 14, 7, 6, 3, 2 एंड 1। ठीक है, अब इज द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर, अब आपको ये बताना है कि इसमें फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का फैक्टर है 6 और 4। हाँ, क्योंकि 654 के टेबल से डिवाइड होता है 654, तो 6 और फर्स्ट होगा और सेकंड नहीं होगा, क्योंकि 8 से 42 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता। फिर आपका थर्ड पार्ट 9 और 27 फैक्टर है, क्योंकि 9 की टेबल में 27 आता है, ये नहीं है। ठीक है, अब अगला फिल इन द ब्लैंक्स, 15 and 2 आर डैश ऑफ 30, यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30, 15 और 2 30 के फैक्टर है, 5 and - आर फैक्टर्स ऑफ 5 1, 5 और 1 जो है 5 के फैक्टर है, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 16 इज 1, हर एक नंबर का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 54 इज 54, अभी बताया था मैंने जो उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो नंबर खुद ही होगा, राइट। डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर 1, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इन दिस वे यू हैव दिस एक्सरसाइज इज कम्प्लीट।